नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीर नगर में। अगर हम बात करें संत कबीर नगर में तो बहुत, और गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अपना करियर बना रहे हैं, रातों रात स्टार बन रहे हैं। इसी में हमारे बीच एक और यूट्यूब चैनल बहुत तेजी से फास्ट ग्रो कर रहा है, जो कि हमारे साथ खड़े हुए हैं, एक भैया एक भाभी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब अनुज पीएस। आपको बता दें कि बहुत कम समय में ये यूट्यूब चैनल बहुत बड़े लेवल पे ग्रो किया है। आप ये देख सकते हैं यूट्यूब अनुज पीएस करके हैं, और ये भाभी जी हैं। ये लोग जब ब्लॉगिंग करते हैं और अपने यूट्यूब पर आते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, तो पब्लिक उसको खूब टिक कर देखती है। क्या कुछ कहानियां हैं, हम यहीं से अब जानने की कोशिश करेंगे। तो भाभी जी, सबसे पहले पीजी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो नमस्कार है आपको कि आप बहुत दूर से चल के हमारे पास आए हुए हैं, तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद है आपको कि आप इंटरव्यू लेने के लिए हमारा आए हैं यहाँ तक। तो चलिए, नमस्कार है आप सभी दोस्तों को, देखने वाले को पीपी न्यूज को, आप सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है और ढेर सारा प्यार है आप लोगों को। अरे वाह, क्या बात है भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, हम अनुज निषाद और हमारे चैनल का नाम अनुज पीएस। तो सबसे पहले भैया के पीजी न्यूज में स्वागत है सभी जितने दर्शक इनके न्यूज के देखे ना, क्योंकि भैया बहुत अच्छी अच्छी चीज डालते हैं और न्यूज डालते हैं, हम भी देखते हैं, हम क्या पूरी दुनिया देखती है इनकी न्यूज को। तो सबसे पहले सभी का स्वागत है इनके चैनल में। जवन पीएस और पीजी का खिलावा, पीएस कहाँ से आपके दिमाग में आइडिया आयल, ये का हम जाने चाहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको साथ चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, देखिए अनुज हम हो गए जी, और सस है तो ये है, अच्छा सविता ये है, लेकिन प के साथ आपको थोड़ा चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो आइए, इनको खड़ा रहने, एक मिनट आइए। प कौन है, क्या बात है, प कौन है, वो जल्दी खड़ा कर, क्या बात, ये हमारी प है। अच्छा अच्छा, पी है जी 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 जी, ये हमारी पी है, यानी प्रियांशी इसका नाम है। हाँ हाँ, तो अनुज और प्रियांशी। हाँ, यस से सविता। अरे वाह, तो देखिए आपको बता दे दोस्तों, ये प्रियांशी हैं और अपनी पत्नी और अपने बेटी के नाम पर एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं अनुज भाई, और ये चैनल रातों रात एक अलग प्रकार का ट्रेंडिंग बन जाता है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चैनल पर जुड़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सवाल अब शुरुआत करेंगे भाभी जी, जब सबसे पहले शुरुआत भइल रहे तो ये आइडिया भैया के दिमाग में रहल कि आपके दिमाग में रहल? आइडिया किसी के दिमाग में नहीं था, आइडिया ये रहल कि ये पहले से ही यूट्यूब पे रहना, और लॉकडाउन के वजह से घर बैठल रहना, तो कुछ दिमाग में हमरो चलल कि हमहू बनैती, काश हमहू कुछ करती, अगर 2 रुपया कमा सकती तो हमहू कमैती तोरे साथ में मिल के। तो आइडिया धीरे धीरे से दिमाग में आयल और कोशिश कैनी, और बस यूट्यूब पे आ गई, और आज सफल हो गई। आज सफल हो गई यूट्यूब के, आज जनता के बीच में हम सफल हो, बहुत खुशी हमें मिलेला। अच्छा भाभी जी, ये बताइए, जो आप यूट्यूब पर अपना वीडियो डालती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, जो उस पे सारे कमेंट आते हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं? दोनों रहते हैं। हाँ। क्योंकि इस संसार में कई तरह के लोग हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो किसी के लिए हम बुरा नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, एक अलग अलग सोच होता है अपना अपना, कि कुछ लोग बुरा कहते हैं, कुछ लोग सही कहते हैं, तो चलिए सबकी अपनी सोच है, उन सोच का हम सलाम करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है। कम से कम हमारा ब्लॉग शॉर्ट वीडियो जो हम बनाते हैं अपने दिल से, उसे लोग देखते तो हैं, हम बहुत खुश रहते हैं। अच्छा अनुज भैया, एक बात ये बतावा कि बहुत सारे लोग कमेंट में ये कहते हैं कि आप लोग आके YouTube पर अश्लीलता फैला रहे हैं, अश्लीलता गंदगी का कमेंट में कर रहे हैं लोगों। लेकिन वो ये खाली हम ही जो ब्लॉग व्लॉग दिखाते हैं उसमें करते हैं, और जो मान लो कुछ ऐसे टाइप की वीडियो है जो कि ना देखने वाले, उस पे तो वो लोग वेरी नाइस, हम लोग देखते हैं सबका भाई देखते हैं, तो उसपे वो लोग वेरी नाइस, बहुत सुपर, ये सब कमेंट करते हैं। लेकिन जो पारिवारिक चीज है, ब्लॉगिंग है, कुछ भी दिखाया जाता है, अपना दिन भर के जो दिनचर्या दिखाए जाते हैं, उस पे वो लोग गंदा गंदा कमेंट करते हैं कि आप लोग कोई और काम करो, फालतू काम करते हो। लेकिन अब क्या हुआ है, उनकी सोच है, हमारा सोच है कि हमारा सोच अलग है, उनका सोच अलग है, भाई वो अपना करते रहे, हम भी अपना काम करते रहेंगे। अच्छा भाभी जी, जब आप यूट्यूब पर आई थी तो
मतलब कैसे आप लोगों के कमेंट आते होंगे, ताने सुनने पड़ते होंगे, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, लेकिन नात रिश्तेदार की अगर हम बात करें अपने समाज की, जिस समाज से आप आती हैं, तो वहां से क्या कमेंट आते थे आप? देखिए चलिए, इनका भी ये समाज जो हमारा निषाद परिवार है, ये ज्यादा सोचता है कि हमारा इज्जत जाता है, ठीक है, बहुत बड़े इज्जतदार होते हैं, बहुत बड़े इज्जतदार होते हैं, लेकिन अगर हम यही सोचते हैं भाई, देखिए दूसरे का अगर आप देख सकते हैं, कहीं ऑर्केस्ट्रा होता, कहीं जो डांसर आती है नाचने, उनमें बढ़िया जाग देखी है पूरा खैया ना, अरे पैसा उस पर लुटाएंगे जाके, वहाँ बहुत मजा आता है लोगों को। हाँ। अगर वो भी तो किसी की बहन है, बेटी है, उसका डांस देखने वो पहुंच जाएंगे बढ़िया से। और हम लोग डांस का घर ही जो कि अपना मोबाइल है, एक छोटा सा मोबाइल है, घर में अपना करके डालना है उसमें तो अच्छा। और भाभी जी आप बताइए कि आप तो यूट्यूब पर आ गई, अभी आप अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहती हैं? हम अपने आप को सोचते हैं कि थोड़ा सा और ऊंचे उठें और दुनिया में और ज्यादा हम नाम करें। हाँ। कि दुनिया हमें जाने। हाँ। हमें इसमें बहुत खुशी मिलेगी कि दुनिया जान जाए संत कबीर नगर से, कतो चुनाव ना उतना लड़ने वाली है। ना, ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें दुनिया यहाँ ही नहीं, हर एक जगह हमको देखा जाए, हर एक जगह से हमें फोन आए कि हाँ हम आपको देखते हैं, जानते आता है, लेकिन हम और सोचते हैं कि और लोग ज्यादा हमें जाने। रास्तवा चलत बहुत भारी हो जाएगी। भारी तो अभी भी है कि रास्ते चलत लोग ढोकते हैं कि अरे वो देखिए अनुज पीएस जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कहाँ तक पढ़ाई आपकी? इंटर तक है। इंटर तक है जी। तो कभी ये सपना ना दिमाग में आई कि टीचर उचर बन जाई, जाके प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाई, बच्चों को शिक्षा उच्छा दे, यूट्यूब पे आके फैन फॉलोइंग्स बढ़ावे के बाद और पैसा कमाए के बाद, ये सब कहाँ से विचार आए? केहू के आदर्श माने लू या अपने मन से ये सब विचार आए? नहीं, बस ये अपने मन से आ गए, दोनों जन में बैठ के ऐसे ही बातचीत में आ गए। हाँ। दिमाग में गर्दा मचा दे लो एकदम। आदर्श अभी कहने से हम गाना भी गाते हैं, लेकिन आदर्श खेसारी लाल को मानते हैं। अरे वाह, तो कोई गाना हो जाए खेसारी लाल यार। गाना तो बहुत है, और जो पढ़ाई हम भी इंटर किए हैं आप। अरे नहो इंटर है, नहो इंटर। अच्छा ये बताओ, शादी दोनों जने के अरेंज मैरिज रहल घर से? अरेंज मैरिज है, क्योंकि अक्सर मैं गोरखपुर वालों की जिनका भी इंटरव्यू करता हूँ, हमारे दर्शक ये भी जानते हैं सबका लव मैरिज निकल जाता है, और आप लोग अरेंज मैरिज है, ये बहुत अच्छा। हम लोग एक दूसरे को देखे भी नहीं थे कभी। हाँ, घर वाला देख ला, घर वाले शादी कर, और एकदम जोड़ी हिट हो गए। अब भगवान आप लोगों के आशीर्वाद, पब्लिक का आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद, प्यार था तो इतना आशीर्वाद आप लोगों का मिला, पूरा एकदम बढ़ते चला गया। तो भैया गाना हो जाए, चलिए गाना हो जाए। हाँ। हर एक की दिल ना लगई है, हर फेरु जानी आई है, अब जा 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 जान भुला जाई है, अब जा 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 जान भुला जाई है। और एक गाना दूसरा गाते हैं, बढ़िया। क्या बात कि अब रहल न जाता अकेला, मन करता खेले के खेला, बर्दाश न होता त नहाई, ई जुदाई बड़ा दुख देला, सजिए पखूबे रगड़ाई खोजता, घरवाया जाए बलमुआ देहरा जाई खोजता। अरे वाह, अच्छा गाते हैं। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। तो भाभी जी हम चाहेंगे कि आप लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं या कुछ आप जैसे डायलॉग वगैरह होता है, कुछ आप हमारे दर्शकों को बोल के बताइए कैसे आप करती हैं, थोड़ा जो दर्शकों को खूब पसंद आता है। का बेटा हो गया? ये हमारी छोटी बेटी है। अच्छा अच्छा, इसी की वजह से हम यूट्यूब पे आए। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका दिव्यांशी नाम है। देखिए ये भी कैमरे में आने के लिए रो रही थी, अभी देखिए एकदम प्रसन्न हो गई है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अनुज पीएस की एक छोटी एक बेटी है, एक बड़ी बेटी है, और दोनों बिटिया में ये लोग प्रसन्न देखो हंस भी रही है। क्या बात है, क्या नाम हुआ आपका? बोल रहे क्या नाम है? दिव्यांशी। अरे वाह, आज हिट हो गई लू तो। हूँ ठीक वाह। तो आप कुछ करके बताइए, कुछ इस प्रकार का डायलॉग वगैरह, अगर कमेंट वगैरह जो आप करती हैं ब्लॉगिंग। अच्छा, ब्लॉगिंग पे। हाँ बताइए। भैया इसे आप ले लीजिए तो भाभी जी बोलेंगी थोड़ा। जैसे हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो अपना घर परिवार है जो
क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसी सब पे हम लोग ब्लॉग करते हैं, ज्यादा हटके नहीं ब्लॉग करते हम लोग। जैसे हम लोगों का खेत है, घर है, क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ टहल रहे हैं, इसी सब का हम लोग ब्लॉग रखते हैं। तो अनुज भैया, अभी नवरात्रि आ गई है, कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट आप लोग लेके आ रहे हैं मार्केट में? आए तो हम उसी घर छोड़ के हम आए, या आप लोग शायद हमारे जो ब्लॉग देखते हो उनको मालूम हो कि हम अभी इस समय किराए के रूम पे रह रहे हैं, जो कि घर है, आप लोग के आशीर्वाद से घर है। और हम इस समय गाने के लिए लगभग जाया कि गाना हमको इधर करेंगे ज्यादा से ज्यादा एल्बम या जो भी मिले, तभी तो बहुत जल्द आए हैं, तभी तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है आप लोग का आशीर्वाद और सबका आशीर्वाद रहे कि जल्द से जल्द हमारा नवरात्रि गाना आ जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे पीजी न्यूज के दर्शकों के लिए? बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, पूर्वांचल के सभी दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को यही कहूंगा कि भाई ऐसे ही पीजी न्यूज को आप लोग सपोर्ट करते रहिए और एक ऐसे लेवल पे खड़ा कीजिए जहां से पीजी न्यूज एक अच्छी न्यूज दिखा सके और लोगों की सपोर्ट करे। जो भी जैसे हैं, बहुत लोग तो कुछ भी इस समय पकड़ लेते हैं, कैमरा माइक कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन वैसा ना करें। एक अच्छी आप सपोर्ट कीजिए पब्लिक का, कि जिससे किसी का भला हो। ये हमारा कहना पीजी न्यूज से कि बस आप अच्छे से रिपोर्ट करते रहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको पीजी न्यूज से जुड़ने के लिए। भाभी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम पीपी न्यूज से यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत धन्यवाद कि आप इंटरव्यू लेने के लिए हमारे तक आए हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और किसी दिन इस लेवल तक जाएं कि आप बहुत हाई हो और बढ़िया आपका चले न्यूज। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में आप देख रहे थे अनुज पीएस, एक ब्लॉगिंग चैनल है और ये शॉर्ट वीडियो बड़ी वीडियो दोनों बनाते हैं। तो इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए लगातार आप बने रहें पीजी न्यूज के साथ। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।